नमस्कार दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को भारत की ग्रोथ थोड़ी झेली नहीं जा रही, क्योंकि भारत के अंदर तेजी से प्रोडक्ट डेवलप हो रहे हैं और वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं यूरोपियन यूनियन में, यूनाइटेड किंगडम में, जिसके कारण से ट्रेड डेफिसिट उनके देशों के अंदर देखने को मिल रहा है और भारत के अंदर ट्रेड सरप्लस है। ऐसी कंडीशन में उनकी मर्केंटाइल थिंकिंग आगे आ जाती है। मर्केंटाइल थिंकिंग ये कहती है कि दूसरे देश में एक्सपोर्ट करो पर उनसे इम्पोर्ट मत करो, ताकि हमारे खजाने भरते रहे और दूसरे देश गरीब रहे। और इसी थिंकिंग के आधार पर उन्होंने कॉलोनियलिज्म को पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रमोट किया था और अलग अलग देशों के अंदर अपनी कॉलोनी को क्रिएट किया था। इसी तरीके से एक समय पर भारत को भी यूरोपियन यूनियन द्वारा अपना मार्केट बनाया गया था, पर अब सिक्का पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूरोपियन यूनियन भारत का मार्केट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यही चीज यूरोपियन यूनियन को पसंद सी नहीं आ रही है। उनका इंपीरियलिज्म उनके आड़े आ जा रहा है, जिसके कारण से बार बार एनवायरमेंट का तरीका अपनाकर भारत के ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाने का प्रयास यूरोपियन यूनियन कई बार करता है। ये चीज करने के पहले यूरोपियन यूनियन ने डायरेक्टली भारत के ऊपर सेफगार्ड मेजर्स लगाए थे, स्टील के ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगाई थी। यहाँ पर एनवायरमेंट का कोई कंसर्न नहीं था, पर भारत ने, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी कंट्रियों ने इस चीज को क्रिटिसाइज किया था। जब ये हुआ तो फिर इन्होंने सोचा कि कोई अच्छा तरीका निकालना पड़ेगा जिसके आधार पर हम भारत की कस्टम ड्यूटीज को बढ़ा सकें, ताकि हम कम इंपोर्ट करें। ऐसी कंडीशन में इन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स, एंटी डंपिंग ड्यूटीज और भी दूसरे प्रोजेक्ट, जिनके आधार पर यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत के ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। रिसेंटली आप देख सकते हो, ये 17 जून की ही न्यूज है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है ऑप्टिकल फाइबर केबल पे 8.7% से लेके 11.4% तक। वहीं भारत के टेक्सटाइल मटेरियल और इनके ऊपर भी ड्यूटी लगाने की बात की जा रही है, इन्वायरमेंट कंसर्न को सामने रखते हुए। तो दोस्तों, ये पूरा मांजरा क्या है, यूरोपियन यूनियन ऐसा क्यों कर रहा है, इन सारी चीजों को डिटेल में समझेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। UPSC CAC की तैयारी करना है टॉप एजुकेटर से। अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखर्जीनगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप चाहते हो तो हमारे सेंटर्स के ऊपर विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे सेंटर पे विजिट नहीं भी कर पाते और आपको लग रहा है कि यार अनअकैडमी में जुड़ना तो है, तो नीचे जाना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आपको घर बैठे दे देगी, ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको कि आपको दिल्ली आना है या प्रयागराज जाना है या नहीं जाना है। आपको इंडिया के ये टॉप एजुकेटर पढ़ाएंगे जिन्होंने इंडिया को ये टॉपर दिए। और आप ध्यान से देखना, ये बच्चे वो नहीं है जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में पढ़े हुए बच्चे हों या टेस्ट सीरीज के अंदर ज्वाइन किए बच्चे, क्योंकि जनरली टेस्ट सीरीज कोई भी ज्वाइन करता है। हर बच्चा लगभग सारी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज या इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को ज्वाइन कर ही लेता है। ऐसी कंडीशन में फोटो सब लगाते हैं, बट कोचिंग के अंदर पढ़े हुए बच्चे कम देखने को मिलते हैं। और ये बच्चे जो है वो हमारे प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए बच्चे हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप भी यहाँ पर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से ड्यूटी जो है वो यूरोपियन यूनियन द्वारा लगाई गई। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन द्वारा ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। अलग अलग कंपनियों पे अलग अलग अमाउंट में ये ड्यूटी जो है वो लगी है। HFCL लिमिटेड को यहां पर एग्जेम्प्ट किया गया है। उसके अलावा बाकी कंपनियों के ऊपर 8.7% से लेके 11.4% तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई। अब बात आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। डंपिंग को रोकने के लिए जो ड्यूटी बनती है उसे हम लोग एंटी डंपिंग ड्यूटी कहते हैं। पर बात आती है एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या है, सॉरी डंपिंग क्या है। तो देखो, मान लो एक कंट्री एक्स है और मान लो एक कंट्री वाई है। कंट्री एक्स का सामान कंट्री वाई के अंदर बिकता है, यही सामान कंट्री एक्स में 10 रुपए का बिक रहा है। अब क्योंकि इस सामान को एक्सपोर्ट करके दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा है तो शिपिंग वगैरह की कॉस्ट भी लगेगी। ऐसी कंडीशन में कायदे से क्या होना चाहिए, दूसरी कंट्री के अंदर ये 11 रुपए का बिकेगा सामान, कायदे से ये होगा, लॉजिक ये कहता है। पर मान लो कंट्री एक्स ने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी एक्सपोर्ट पे, तो ऐसी कंडीशन के अंदर ये सामान दूसरी कंट्री के अंदर 8 रुपए का बिकने लगेगा, जिसके कारण से ये जो दूसरी कंट्री है इसके अंदर जो लोकल सामान है वो बिकेगा नहीं, क्योंकि सस्ता क्या मिल रहा है, इंपोर्टेड। ऐसी कंडीशन में दूसरी कंट्री का मार्केट डिस्टॉर्ट हो जाता है।
अब इस चीज से बचने के लिए वो दूसरी कंट्री क्या करे, अपने यहां पर एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा दे, जिसे हम क्या कहते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटी। यूरोपियन यूनियन का कहना यह है कि भारत डंपिंग करता है ऑप्टिकल फाइबर की, और इस कारण से हम उनके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा रहे हैं। ये तो एक केस बताया। सिमिलरली कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म यूरोपियन यूनियन लाया है। अब भारत का एक बहुत बड़ा मार्केट है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि यार क्या करें, मतलब हम डायरेक्ट ड्यूटी ड्यूटी लगाते हैं तो ये लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पास में पहुंच जाते हैं और फिर वहां पे बैठ के क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो अब हम कुछ अच्छा सॉल्यूशन निकालते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कार्बन इंपीरियलिज्म को लेके आई है। कार्बन इंपीरियलिज्म क्या है, जैसे कोयला वो नेचुरल गैस, दोनों ही पोल्यूशन करते हैं, पर ये क्या कहेंगे, नेचुरल गैस चलने दो, कोयले को आप फेल आउट कर दो, जिसके ऊपर इनकी डिपेंडेंसी नहीं है उसको हटा दो, जिसके ऊपर दूसरे की डिपेंडेंसी उसको हटाओ, अपन उसको फेज आउट करो, अपनी डिपेंडेंसी वाली चीजों को अपन कम नहीं करेंगे। वहां पर एनवायरमेंट सामने नहीं आता। एनवायरमेंट कहां सामने आता है, देखो इंडिया के अंदर कोई सामान है वो बन रहा है लेटस से 10 रुपए का। अब इंडिया के अंदर जो एनवायरमेंट के स्टैंडर्ड है वो इतने अच्छे नहीं थे यूरोपियन यूनियन में, वो डेवलप्ड कंट्री है, उनके पास में ज्यादा अच्छे टूल्स हैं, ज्यादा अच्छे चीजें हैं, जिसके कारण से उनके यहाँ पे स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनको इतना कमाना था, एनवायरमेंट को खराब करके वो कमा चुके हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, अपने यहाँ पे सामान जो बनाते हैं उसके अंदर कुछ एनवायरमेंट स्टैंडर्ड रखते हैं। इनका कहना यह है कि कोई भी नॉन ईयू कंट्री, नॉन ईयू के अंदर ही कंट्रियां कर सकती हैं, कोई भी नॉन ईयू कंट्री अगर सामान यूरोपियन यूनियन के अंदर भेज रही है और प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है एनवायरमेंट रिलेटेड, तो ऐसी कंडीशन में यहां पर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म लगेगा और यहां पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाई जाएगी। इस तरीके से भारत के बड़े प्रोडक्ट के ऊपर ड्यूटी जो है वो लग रही है। वहीं कुछ और प्रोडक्ट ऐसे थे जिनके ऊपर इस तरीके से ड्यूटी नहीं लगी, तो नए तरीके से ड्यूटी लगाने का प्रयास किया गया, जैसे टेक्सटाइल फुटवेयर, इनके ऊपर लगाया गया इको डिजाइन फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट रेगुलेशन। ये रिसेंटली आया रेगुलेशन है यूरोपियन यूनियन का। इसके अनुसार क्या हुआ कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा जो ड्यूरेबल नहीं है, रीयूजेबल नहीं है, अपग्रेडेबल नहीं है, रिपेयरेबल नहीं है, और भी कई सारे के एनर्जी इफिशियंसी नहीं है, रिसोर्स इफिशियंसी नहीं है, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है, जब इनको यूरोपियन यूनियन इंपोर्ट करेगा तो इनके ऊपर वापस से ड्यूटी लगा दी जाएगी। जैसे भारत का कपड़ा, कपड़ा रीयूजेबल वगैरह नहीं होता है, ड्यूरेबल रीयूजेबल नहीं होता, ऐसी कंडीशन में अगर हम कपड़ा वहां भेजेंगे ड्यूटी लगा देंगे उसके ऊपर। अब यहाँ पे सवाल उठेगा, सर सही तो कर रहे हैं, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी को तो करना पड़ेगा, बात ठीक है, पर ये चीज अचानक से ड्यूटी लगा दी जा रही है। अब अगर आप अचानक से, जैसे मान लो कंट्री ए, लेट अस से इंडिया है, इंडिया से सामान ईयू में जा रहा है ना, भारत सामान भेज रहा है और अचानक से यूरोपियन यूनियन ने कहा एनवायरमेंट के नाम पर ड्यूटी, तो फिर भारत का सामान वहां पर सस्ता हो ही नहीं पाएगा और भारत को यहां पर मौका मिला भी नहीं अपने एनवायरमेंट स्टैंडर्ड को ठीक करने का, अपने प्रोडक्ट को ठीक करने का। ऐसी कंडीशन में जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो तो एडजस्ट कर जाएंगे, पर जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो यहां पर एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन में भारत का एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन यूनियन के अंदर कम हो जाएगा। पर यूरोपियन यूनियन ये चाहता क्यों, क्योंकि लगातार ट्रेड डेफिसिट यूरोपियन यूनियन को फेस करने को मिल रहा है भारत के साथ में। ऐसी कंडीशन में यूरोपियन यूनियन जो है वो भारत का एक मार्केट बनता हुआ दिख रहा है। आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो कि यूरोपियन यूनियन का एक्सपोर्ट भारत के अंदर 38.2 बिलियन डॉलर का है, पर यूरोपियन यूनियन का इंपोर्ट 39.6 बिलियन डॉलर का है। ऐसी कंडीशन में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, पर डिफरेंस है। ऐसी कंडीशन में भारत के एक्सपोर्ट को इनको कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिफरेंस लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण से ये अलग अलग प्रकार की ड्यूटी जो है वो लगाते हुए दिख रहे हैं। अब बात आती है इन सारी कहानियों के बीच में वो कहाँ है, जो हर बार ट्रेड के रेस्ट्रिक्शन लगने पे बीच में आ जाता है, कहाँ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सवाल ठीक है, पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के खुद के इंटरनल इशू चल रहे हैं। जब भी हम डिस्प्यूट्स की बात करते हैं तो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए WTO के अंदर एक अलग से डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है, ये अपने डिसीजन देती है, फिर कंट्री क्या करती है अपीलेट बॉडी के अंदर जाके अपील कर सकती है। अब ये जो अपीलेट बॉडी है यहां पर कोई जज है ही नहीं, जज के अपॉइंट हो ही नहीं पा रहे, क्यों, क्योंकि US यहां पर विरोध कर रहा है, जिसके कारण से अपीलेट बॉडी फंक्शन नहीं कर रही। ऐसा समझो कि हाईकोर्ट तो काम कर रहा है पर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर रहा, तो क्रिमिनल जो है उसको हाईकोर्ट सजा सुना दे रहा है
वो फिर अपील करने सुप्रीम कोर्ट में जा रहा, पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ है ही नहीं, तो कह सकता है राजा घूम रहा है। वैसी चीज यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाने से कोई सेंस नहीं बनता, तो फिर भारत के द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि हम भी हिट बैक टैरिफ यूरोपियन यूनियन के ऊपर लगाएंगे। आई होप आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे अच्छा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी एसी की तैयारी करना है, अगर टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं।